नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस में। मैं हूं आलोक शुक्ला और आपके लिए आज लेके आया हूं 10 स्पेशल क्वेश्चन मैथ्स के, जो आपके प्रीवियस ईयर आधारित हैं। विगत परीक्षाओं में जैसे कि आपका यूपीएसआई से मैं ये क्वेश्चन खास कर सेलेक्ट किया हूँ। क्यों यूपीएसआई का? क्योंकि अभी देखिए मेन जो क्वेश्चन सिलेक्शन का प्रोसीजर है, हम इस क्लास में क्या करते जाएंगे, टीसीएस के आधारित जो प्रीवियस ईयर जितने भी हुए हैं, वो चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, वो चाहे आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो, यूपीपी का एग्जाम हो, या वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, सीएचएसएल या सीजीएल। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे टीसीएस का स्पेशली क्वेश्चन इसलिए उठा रहे हैं जो विगत वर्षों में पूछा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाले मैक्सिमम परीक्षाओं का जो ठेका बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं कि कौन करा रहा है एग्जाम, वो टीसीएस करा रहा है। इसलिए हमें उसके पैटर्न को समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर से बता दूं कि ये 10 प्लस कोर्स की क्लास, सबसे पहली क्लास जैसा आपको बताया गया था उसे लेके मैं आपके सामने आया हूं। इसमें मैं मैथ्स की पहली क्लास लेके आऊंगा। पूरा टाइम टेबल आपको दिया जा चुका है, जिसमें हर दिन आपको 4 से 5 क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस के बाद आपका पीडीएफ मिलेगा और उस पे बेस्ड क्विजेस मिलेंगे। ये पूरा कोर्स फ्री है, सारे वीडियोस फ्री हैं, सारे क्विजेस फ्री हैं। केवल और केवल पीडीएफ के लिए 3 मंथ का ₹499 का सब्सक्रिप्शन लगाया गया है, जिसकी पूरी डिटेल आप यहां पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। और आपको जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए, क्योंकि ये नोट्स जो होते हैं डिस्क्रिप्शन में होते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही क्वालिटेटिव होता है, इसको लेने के लिए आपको बहुत मिनिमम शुल्क जो लगाया गया है 499 का, वो भी 3 महीने की वैलिडिटी रहेगी। मतलब 3 महीने लगातार डेली बेसिस पे 5 से 6 पीडीएफ, यानी कि करीबन 500 पीडीएफ आपको बहुत आराम से मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन बगल में आता रहेगा और हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ही है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रघु ने 5/4 के बजाय, आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को, रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो चैप्टर उठाया हूँ वो परसेंटेज उठाया हूँ, प्रतिशतता उठाया हूँ, और इसी चैप्टर पे आधारित क्यों इसे उठा रहा हूँ, क्योंकि ये बैकबोन है पूरे अर्थमेटिक का, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, सीआई पढ़ेंगे, एसआई पढ़ेंगे, इस पे आधारित सारे पढ़ेंगे, फिर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, तो एक पूरा सीरीज चलता जाएगा एकदम क्रमबद्ध तरीके से, आपके दिमाग में एक एक पॉइंट बैठता जाएगा। और यहां पे हम कर तो प्रीवियस ईयर रहे हैं, क्वेश्चन तो हम वहां से सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक एक जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक जो कहते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाते चलेंगे, एक एक तरीका जानते चलेंगे, ताकि किसी भी परीक्षा में, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो जहां पे गणित पूछी जा रही है, मैथ्स पूछी जा रही है, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे लगे ना, और विद इन टाइम। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बोल रहा है कि कोई रघु नाम का लड़का है जो 5/4 से उसे गुणा करना था, लेकिन उसकी जगह पे क्या किया है, 4/5 से उसने गुणा कर दिया है। तो उसकी वजह से भाई गलती तो हो गई, पहले 5/4 से करना था, कर दिया वो 4/5, 5/4 से गुणा करना है और कर दे रहा है 4/5 से, तो त्रुटि तो वो कर दिया, और त्रुटि कर दिया तो इसकी वजह से जो प्रतिशत कमी आ गई, प्रतिशत त्रुटि आ गई, वो आपसे जानना चाह रहा है कितना आ रहा है। तो देखिए, हम मान ले कि कोई भी नंबर रहा हो, नंबर n रहा हो, उसमें उसे 5/4 से गुणा करना हो, लेकिन उस नंबर में उसने 4/5 से गुणा किया है, तो त्रुटि कितनी आएगी, इतनी ही तो आएगी। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, उसे करना कितना था, एन इंटू 5/4, और अगर 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो n n n तो हर जगह कट जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 25 माइनस 16 ये आ जाएगा 9, और 9/25, 25 × 100 ये हो जाएगा हमारा 4, यानी कि 36 आपका परसेंट त्रुटि आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्या है, अगर 5/4 से करना था और ये 4/5 से कर दिया है। अभी देखा जाए कि ये x का फॉर्म है और ये 1/x का फॉर्म है, कंपेयर करें, है ना। ये अगर हम इसे x मान ले तो ये क्या हो जाएगा, 1/x। तो जब भी अगर x और 1/x का इस ऐसे टाइप में क्वेश्चन में आ जाए, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक, एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहां पे समय बचा सकते हैं, 1/(1 − x²)/100, 1 − 1/(x²)/100। अगर आप ये सीधा लगा देते हैं तो आपका भी तब भी उत्तर आ जाएगा, करके देख लीजिए, 1 − 1/(5²)/25 और 4² = 16, 25/16, यानी 1 − 16/25, और ये पूरे गुणे 100 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/25 × 100, यानी कि क्या हो जाएगा,
36% आपका उत्तर आ जाए। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या कह रहा है आप देख लीजिए, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। अगर मूल संख्या के बीच का अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं के योग का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएसआई में आया था, जो 22 दिसंबर का आपका पेपर हुआ था पिछली बार, उस पेपर से ये क्वेश्चन मैं उठाया हूं। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन इसमें थोड़ी सी त्रुटि थी। त्रुटि कहां थी? आप लगाते रहिए साथ में। देखिए एक तरीका होगा, हम क्लास में चलते रहेंगे बहुत स्मूथ माइंड से, बहुत कूल माइंड से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करके पहले आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, पहले आप लगा भी सकते हो, क्योंकि अभी ये लाइव सेशन नहीं है, है ना। बोर्ड आ जाने के बाद अभी जैसे लॉकडाउन खत्म होता है, सारी सुविधाएं होती हैं, तो हम ये चीजें लाइव करेंगे ताकि आपसे इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा रहे, है ना। तो वहां पे आप तुरंत जवाब भी देंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, वो इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा, एकदम अच्छी क्लास की तरह चलेगा जैसे हमारी क्लासेस चलती रहती है। तो आप पहले वीडियो थोड़ा पॉज करिए, क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे देखने के बाद जब आपसे लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, है ना। आप देखिए टीचर का सोल्यूशन क्या है, नहीं लगता है तो देखिए आप कहां पे गलती कर रहे हैं। ये तरीका होता है हमारा गणित पढ़ने का। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो कह रहा है एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। मान लें हम पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y, बोले पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से कितना अधिक है, एक अधिक है। मतलब अगर इसमें से इसे माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। फिर अगली लाइन में कह रहा है अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, और प्रश्न जब पूछा आयोग ने तो यहीं पे गलती कर दिया, उसे यहां पे ये बताना चाहिए था कि अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, यहाँ पे बताना चाहिए था कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है तो अंतर आप 10 लोगे तो गलत हो जाएगा। मैं करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले हम इसका सही जवाब ढूंढ लेते हैं। सही जवाब क्या है, हम इसे वाई माइनस एक्स करें, मूल संख्याओं के बीच का अंतर कितना बोल रहा है, 10 बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा। साधारण सा प्रश्न है, 50% ऑफ एक्स माइनस 40% ऑफ वाई बराबर 1, वाई माइनस एक्स बराबर 10, एक्स प्लस वाई पूछ रहा है। ये दो इक्वेशन है आपके पास, दो वेरिएबल है, आराम से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 50% ऑफ एक्स यानी कि हम इसे ले सकते हैं एक्स अपॉन 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, किसी का 50% उसका आधा ही तो होगा। 40% ऑफ y मतलब कि 4/10 गुणे y, या इसे लिख सकते हैं 2/5 गुणे y, या y 2y/5, जैसा भी चाहे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन आपका ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अगर हम पहली वाली इक्वेशन में दोनों तरफ 10 से गुणा कर दें तो यहां पे क्या बचेगा, 5x, यहां पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं 5x, गुणा करने के बाद क्या आएगा, यहां पे 10 से गुणा करेंगे तो 5 10 से 2 आएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 4y/10, 10 यहां पे भी जब गुणा हो जाएगा तो। और दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, वाई माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10। अभी इसे सॉल्व करने के लिए हम इस वाले इक्वेशन में 5 से अगर गुणा कर दें तो 5 से गुणा करने के बाद क्या ये हो जाएगा, 5y हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक। अभी इसको पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो ये और ये कट जाएगा, 5x 5x, प्लस और माइनस है, ये कितना हो जाएगा, 5y में से 4y जाएगा, y बचेगा, और y बराबर दोनों जोड़ के कितना आ जाएगा, 60। तो y का मान हमारा क्या आ गया, 60 आ गया। और अगर y का मान 60 आ गया और हमें पता था कि y माइनस x बराबर 10 है तो यहाँ पे हम रखेंगे तो 60 - x = 10, एक्स को उधर ले जाए 10 को इधर लेके आए तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 50। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 और आपसे पूछ कर एक्स प्लस वाई तो क्या हो जाएगा, 60 + 50 = 110, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको बेसिक मेथड पे जाना होता है, एक्सआई का यूज करना पड़ता है और आपके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कराना चाह रहा था, कॉन्सेप्ट नहीं पूछना चाह रहा था, आपसे कैलकुलेशन कराना चाह रहा था। और एक बात समझिएगा, जब जब आप मैथ्स कोई भी ऐसा एग्जाम देने जा रहे होंगे जिसमें मैथ्स पूछ रही होगी, और मैथ्स वो भी वो पेपर कंडक्ट करा रहा होगा जैसे TCS, तो एक बात समझिएगा, TCS ने अपना रुख पूरा बदल दिया है। अब वो बच्चों से क्या चाहता है, कैलकुलेशन चाहता है। बहुत हो गए ट्रिक्स, बहुत हो गए, मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि हम ये ट्रिक बता देंगे, वो ट्रिक बता देंगे, बच्चे ये ट्रिक कर लेंगे, इसी में पूरा समय जाता था। नहीं, गणित जो बेसिक गणित है,
आपका अपना दिमाग चलना चाहिए, आपको अपने प्रैक्टिकल लेवल का सोचना आना चाहिए, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आज के समय में आप कोई भी छोटी से छोटी कैलकुलेशन करते हो, क्या फोन उठा लोगे, कैलकुलेटर उठा लोगे, इससे क्या होता है आपके दिमाग की प्रोसेसिंग कम हो जाती है। और टीसीएस क्या कहता है, मैं भैया वहीं से पूछूंगा। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, ये सोचिए यूपीएसआई का पेपर है, और यही नहीं अभी एक से एक क्वेश्चन भी सामने आएंगे जो मॉड्यूल होगा क्लास का, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे एक एक लेवल बढ़ता चला जाएगा ताकि आपको भी दिक्कत ना आए और ये समझ में आए कि आखिर आयोग कैसे प्रश्न आपके सामने रख रहा है। तो टीसीएस करा रहे, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको यहाँ पे छोड़ने वाला है एकदम, और वो भी अर्थमेटिक में तो एकदम नहीं। अगर वो एडवांस के टॉपिक होगी, जैसे ज्योमेट्री का पूछ रहा है, वो मेंसुरेशन का होगा या वो एलजेब्रा का होगा या वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा टीसीएस के द्वारा सेट किए हुए, तो वहां पे कॉन्सेप्ट होगा, वहां पे ट्रिक्स लग सकते हैं, वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे। लेकिन अगर वो अर्थमेटिक होगा, जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन होगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होगा, तो एकदम दिमाग में रखिएगा कि वो आपका क्या होने जा रहा है, कैलकुलेटिव होने जा रहा है, आपसे कैलकुलेशन कराएगा। और ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो अपकमिंग लोअर मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पे लोअर मेंस के पैटर्न में मैथ का वेटेज क्या है, बढ़ गया है। और बढ़ गया है तो जो बच्चे मैक्सिमम क्या होते हैं, आपको पीसीएस वाले बच्चे होते हो, थोड़ा सिविल वाले बच्चे हो, तो इधर तैयारी करने वाले वनडे वाले बच्चे थोड़ी कम होते हैं, थोड़ा सा तो कम होते ही है ना, कंपेरिजन देखा जाए तो ओवरऑल लगभग बराबर ही होते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनके लिए स्ट्रिक्टली बोलूं, वनडे वाले तो अपना निकाल ले जाएंगे, जो पढ़ रहे हैं, जो एसएससी वैसे की तैयारी कर रहे हैं वो तो आराम से निकाल लेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जीएस के पीछे ही पड़े रहते हैं ना, उनके लिए लोअर मेंस के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो आप आज ही से इसे पढ़ते चलिए, साथ साथ में आपका यूपीएसआई का भी पेपर आज आएगा ही जल्दी, अगर निश्चित होना है, नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा, पुलिस की इतनी जरूरत है, एसआई की इतनी जरूरत है ना, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो इसका उत्तर 110 हो गया। मैं इस प्रश्न में ये बात किया था कि अगर यहाँ पे जो इसने दूसरा वाला इक्वेशन किया था, दूसरा वाला इक्वेशन क्या रखा था, ध्यान से देखिएगा, उसने बोला था कि दोनों मूल संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना 10 है। अगर मैं यहां पे x माइनस वाई बराबर 10 ले लेता, अगर मैं यहां पे x माइनस वाई, वो क्योंकि दो मूल संख्याओं के बीच का अंतर, मुझे क्या मालूम x बड़ा है कि y बड़ा है, x में से y जाएगा कि y में से x जाएगा, मैं तो एग्जाम में जब बैठा रहूंगा तो करूंगा, तो जो दिमाग में आएगा पहले x आएगा तो पहले x लिखूंगा। और जैसे ही बच्चे यहां पे x माइनस वाई बराबर 10 लिखे, उनका उत्तर माइनस में 70 आ गया। और जो ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन ए आपका क्या है, प्लस का 70 है, वहीं पर वो कंफ्यूज हो गए और कुछ इस चक्कर में ऑप्शन ए कर देगा, अरे निगेटिव कहीं से आ गया होगा, आपके अंदर एक क्वालिटी होती है ना, अरे आ गया होगा, कॉन्फिडेंस मैं सही हूं, ये गलत हो गया होगा, और वो बच्चे सारा अपना गलत करके चले आए। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि थी, कॉन्सेप्चुअली त्रुटि थी, लेकिन यहां पे अगर आप ढंग से लगाए होते तो जान जाते कि एग्जैक्टली कौन सा उत्तर इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं ताकि आपको आगे बता पाऊं, है ना। चलिए, क्या कह रहा है कि किसी संख्या है, संख्या के 60% में 120 जोड़ दिया जाए, फिर से कोई भी मान ले कि वो संख्या ए है, और इसके 60% में, 60% ऑफ ए में 120 जोड़ दिया जाता है तो क्या मिलता है ए। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, ए के 60% में 120 जोड़ दिया जा रहा है तो संख्या क्या मिल जा रही है, वही संख्या मिल जा रही है, ए मिल जा रही है, पूछ रहे वही वो संख्या क्या है। मैं आपसे बता दूं, परसेंटेज का बेसिस है, एक बात दिमाग में यहीं पे डाल लीजिए, मैं यहीं पे थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि परसेंटेज में, परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, प्रति सौ, पर सेंट, सेंट मतलब होता है सौ, फ्रेंच वर्ड है, वहां पे सेंट उनकी क्या होती मुद्रा होती है, यहां पे सौ पैसा बोलते हो ना, ऐसे सौ सेंट, तो 100 वहां से पर मतलब प्रति, मतलब जब हम 100 में कंपैरिजन करते हैं तब होता है परसेंट, और परसेंटेज चैप्टर में, प्रतिशतता के इसमें चैप्टर में कोई भी चीज क्या होती है अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग के कोने में किसी बिठा लीजिए और इसे कभी मत भूलिएगा। समझिए, ये एक टंकी है और टंकी आधी भरी है, तो आप क्या बोलोगे, ये टंकी 50% भरी है, ये भी बोलोगे टंकी 50% खाली है। लेकिन अगर मैं इस टंकी को आगे और बढ़ा दूं, 10% और भर दूं, तो बोलोगे टंकी 60% भरी है, थोड़ा और भर दूं यहां पे तो टंकी 80% भरी है, और मैं पूरा एकदम भर दूं कि पानी गिरने लगे, तो आप क्या बोलोगे, टंकी पूरी भरी है, पूरी भरी है मतलब क्या, 80% से पूरी मतलब क्या जाएगा, 100% भरी है। तो कोई भी चीज अपने आप की, कुल उसका आयतन कितना हुआ, 100% हुआ, आपकी उम्र टोटल कितनी हुई, 100% हुई, आपकी हाइट टोटल कितनी है अपने आप की, 100% है। ऐसे हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, तो कोई भी संख्या भी क्या होगी अपने आप में, 100% होगी। तो बस समझिएगा,
यही पे समझिएगा इस कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे कैसे यूज कर रहा हूँ। एक तो तरीका है आप इस इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व कर लीजिए, a इंटू 60 अपॉन 100 प्लस 120 इज इक्वल टू a, इसे आप सॉल्व करोगे 6 बटे 10 3 बटे 5 लिखोगे तो 3a अपॉन 5 प्लस 120 बराबर a, a को इधर लाओगे 120 उधर लेके जाओगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस बाद में कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2a अपॉन 5 बराबर माइनस 120 तो ये आ जाएगा a बराबर 300। एक तो तरीका है आपका सिंपल इक्वेशन से सॉल्व कर लो, दूसरा आपका स्मार्ट तरीका क्या है कि आप बहुत कम समय में तुरंत अगर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते, आप देख रहे हो कि ए के 60% में जब 120 जोड़ा जा रहा है तो ए मिल जा रहा है, भाई ए का 60% यहां है तो ए होने में कितना परसेंट बचा है, 40% तो 60% यहां है, अभी 40% और जोड़ दिया जाए तो ये 100% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो वो 40% ही तो ये 120 है, बस यही पे आपका उत्तर छुपा है। उत्तर कैसे छुपा है, 40% बराबर 120 तो 100% बराबर क्या, यही पूछ रहा है, 4 3 12 ऐसे भी कर सकते हो गुणे 100 यानी कि ये 3, उत्तर आ जाएगा 300। तो एक लाइन में उत्तर लाना, आप ज्यादा समझदारी समझ रहे हैं कि दुनिया भर की गाथा गाने में ज्यादा समझदारी समझ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जहां पे आपको समय बचा सकते हो। देखिए एक बात समझिएगा, आप जब पेपर दे रहे होते हो एग्जाम हॉल पे बैठे होते हो तो एक तरीका से काम नहीं बनता, आपको साम दान दंड भेद सारे खेलने पड़ते हैं, और अगर आपको रैंक लानी है और कंपटीशन तो बढ़ रहा है। एक बात और समझिएगा, अभी जैसे लॉकडाउन का प्रोसेस चल रहा है, एक बात तो निश्चित है कि आर्थिक मंदी आने वाली है, आर्थिक मंदी आने वाली है तो सभी लोग भाई प्राइवेट कंपनियां जॉब बहुत तेजी से कट कर रही हैं, गवर्नमेंट अपनी सैलरीज कट कर रही है अपने इंप्लॉयज का, नई भर्तियां जो होंगी उनमें भी कहीं ना कहीं तो दिक्कत होंगी। वो क्या सोचे गवर्नमेंट, जो भर्तियां भी लगी हुई है जिनका नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे या जिनका प्रस्ताव आ गया था वो तो जल्दी जल्दी करवा लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा लोड है तो एकदम क्या होगा ना, पूरा फ्लस आ जाएगा। जो उधर प्राइवेट वाले भी खाली होंगे ना, वो भी सोचेंगे यार गवर्नमेंट जॉब ही ले लूं, यही वैकेंसी हम फॉर्म भरते, वो भी दिमाग लगा लेंगे, वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक बार कॉम्पिटिशन का फ्लस तो बहुत ज्यादा होने वाला है, तो आप साम दान दंड वे सारा लगा दो, पूरा ये जो आपका ये समय है ना, ये समय फिर नहीं आने वाला है। इतना अच्छा समय, इतना विधवत टाइम, चाहे जॉब कर रहे थे चाहे जो कर रहे थे, 24 घंटा आपका है, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जितना मन हो सकता है पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, जितना पढ़ लेंगे वही आपका है। और इतना पढ़ डालिए कि अपकमिंग कोई भी पेपर, आपका बीओ का एग्जाम लगा है या आपका यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम लगा हुआ है या आपका यूपी SSC लोअर मेंस का एग्जाम लगा हुआ है या आपका UPSI का आने वाला है, कोई भी परीक्षा, आप बहुत लोग SSC CGL मेंस दे रहे होगे, कोई भी परीक्षा ऐसे लगी हुई है जो अपकमिंग समय में होने वाली है, जो आधी हो चुकी है, आधी ही पूरा होना बाकी है, ऐसे में आपको क्या करना है, केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ये साम दान दंड वेद लगाना है। और एग्जाम हॉल में बैठे हो तो वही मैं बोल रहा हूं, एग्जाम हॉल में बैठे हो तो कोई एक तरीका नहीं, वहां पे आपको समय बचाना है, वहां पे आपको जो बेस्ट कॉन्सेप्ट लग सकता है, जहां पे समय बचा सकते हो, जितना जल्दी आंसर ला सकते हो, सब कुछ करना होगा, सब कुछ करना होगा, तो हमारा ये तरीका ज्यादा अच्छा है। बाकी अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लो एक बार, आप भी पढ़ लेता हूं मैं भी, एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई है, इसके क्षेत्रफल का प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। ऑप्शन आपका दिया है 34.5%, 35.5%, क्वेश्चन बगल में देखते रहिए, 33.5%, 32.25% है ना। अभी इस क्वेश्चन को लगाते हैं, इसमें एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, पहली लाइन देखिए, एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है। आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए क्या इस लाइन की जरूरत है इस क्वेश्चन में। भाई अगर आप पहले से थोड़ा भी परसेंटेज पढ़े होगे तो आप तुरंत बोलोगे नहीं सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप आज तक किताब उठाए ही नहीं होगे, किताब आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होगी जिंदगी भर की, तो आप बोलोगे हाँ सर जरूरत थी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कब भी परसेंटेज में दो डायमेंशनल फिगर होते हैं, अगर उसकी कोई भुजाएं बढ़ती हैं तो हमेशा इंपैक्ट क्या आता है, नेट रिजल्ट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। कोई भी दो डायमेंशन वाली भुजा है जिसकी एक भुजा x परसेंट से बढ़ाई जा रही है, दूसरी भुजा y परसेंट से बढ़ाई जा रही है, तो उसका जो कुल एरिया होगा, कुल क्षेत्रफल होगा, वो कितना परसेंट से बढ़ेगा, x प्लस y प्लस एक्स वाई अपॉन 100% से बढ़ेगा। तो देखते हैं इसने क्या कहा, उसने बोला कि वर्गाकार है मतलब वो क्या है, स्क्वायर है, तो ये x परसेंट बढ़ेगा तो ये भी कितना बढ़ेगा, x ही परसेंट बढ़ेगा। उसके बाद क्या कह रहा है,
15% की वृद्धि की जा रही है, तो बस x का मान भी 15 है, y का मान भी 15 है, और 15 × 15/100 सीधा उत्तर क्या आ जाएगा, 30 + 15 × 15 225/102 0.25, यानी कि 32.25% आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था। एक बात समझिएगा कि पेपर में हमेशा कोई भी आप एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो, 30 से 40% इजी क्वेश्चन पूछेगा, 40% से 50% आपका क्या पूछेगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा टफ होगा। और यहां पे देखा जाए तो फिर से 30% से ही करीबन 20 से 25% 30% जो भी बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, टफ लेवल का होगा, यही पे आपको क्वेश्चन फंसाता है। लेकिन हमें इन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना होता है, इनमें एक दो क्वेश्चन भी लगा लोगे तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे छोड़ना नहीं होता है। तो ये इजी वाले लेवल का ही क्वेश्चन था, और अगर आप इजी और मॉडरेट के सारे क्वेश्चन करके आते हो पेपर में, तो एकदम आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, यही आपकी स्ट्रेटेजी होती है, ये रणनीति होती है। आप बच्चे क्या करते हैं, इस टफ वाले में जूझ जाएंगे, आसान वाला करेंगे नहीं, मॉडरेट वाला करेंगे नहीं, बोलेंगे पेपर बहुत टफ आ गया था। पेपर टफ होता ही नहीं, कोई भी पेपर टफ होता ही नहीं है, कुछ ही परसेंट उसके टफ होते हैं। तो आपको टफ लग जाता है जब आप टफ वाला उठा लेते हो, बस उसी में अपना समय गंवा देते हो, तो बोलते हो हमें समय नहीं मिला। खैर चलिए, एक एक बात हम समझेंगे कैसे हमें एग्जाम में भी करना है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से कर ले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 90% लोगों को क्रिकेट पसंद है, 80% लोगों को हॉकी पसंद है, 75% लोगों को फुटबॉल पसंद है, देखते रहिए बगल में क्वेश्चन, और 70% लोगों को स्क्वैश पसंद है। स्क्वैश एक खेल होता है जो अकेले बैडमिंटन टाइप में खेला जाता है दीवार के सारे। कम से कम कितने प्रतिशत लोगों को सभी खेल पसंद है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, परसेंटेज बेस है, आपको लगेगा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, वेन डायग्राम का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिंपल दिमाग का क्वेश्चन है, थोड़ी सी लॉजिक है। ये बोल रहा है, मैं डेटा आपको लिख दूं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए, समझिएगा, वीडियो पॉज करके आप एक बार लगाने का प्रयास तो जरूर किया करो, है ना, लाइव में तो हालांकि मैं मौका थोड़ा सा दूंगा, यहाँ पे आपके पास सुविधा है, आपके हाथ में सारी चीजें हैं, मारिए पॉज बटन, थोड़ा सा इंतजार करिए, क्वेश्चन को लगाइए, लगता है तो बहुत अच्छा, नहीं लगता है तो और भी अच्छा, मैं बता दूंगा, है ना। चलिए, तो क्या कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 90% जो 90% लोग हैं, इन्हें क्या पसंद है, भाई हॉकी पसंद है, बात क्लियर होगी। फिर क्या कह रहे हैं, 80% लोगों को क्या पसंद है, सॉरी 90% को क्रिकेट पसंद है, 90% को क्रिकेट पसंद है, 80% को हॉकी पसंद है, फिर क्या कह रहे हैं, 75% लोगों को फुटबॉल पसंद है। ये पसंद वाली बात कर रहे हैं, ये पसंद वाली बात हम कर रहे हैं, 75% लोगों को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, डबल ओ होता है। फिर क्या कह रहे हैं कि 70% लोगों को क्या पसंद है, स्क्वैश पसंद है ना। इतनी आंकड़े आपको दिए हुए हैं, फिर क्या कह रहे हैं, कम से कम कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं, एटलीस्ट हाउ मच पर्सन आर देयर, कम से कम कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सभी खेल पसंद हैं। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए, भाई अगर 90% लोगों को क्रिकेट पसंद है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 10% लोगों को नहीं पसंद है, क्रिकेट तो पसंद ही नहीं है 10% लोगों को, ठीक है, 20% लोगों को हॉकी नहीं पसंद है, 25% लोगों को फुटबॉल नहीं पसंद है, और 30% लोगों को क्या नहीं पसंद है, स्क्वैश नहीं पसंद है। अगर ये पूरा फिगर 100 में होता तो हम बोलते 10 लोगों को ये नहीं पसंद है, 20 लोगों को हॉकी नहीं पसंद है, 25 लोगों को फुटबॉल नहीं पसंद है, और 30 लोगों को स्क्वैश नहीं पसंद है। मतलब कि 30, 25, 55, 20, 75, 10, 85 लोग ऐसे हैं 100 में से जिन्हें कोई ना कोई खेल पसंद ही नहीं है। तो उसने क्या पूछा, उसने पूछा एटलीस्ट ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें सारे खेल पसंद हैं। तो जब 85 को पसंद ही नहीं है, तो 100 में से जो बच रहे हैं उन्हें क्या होगा, ये 15 लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये चारों खेल क्या होंगे, पसंद होंगे। बात समझ में आ गई, नहीं आई, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आगे समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है स्क्रीन पे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है, एक निशानेबाज किसी टारगेट को एक निश्चित सटीकता एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, प्रतिशत से भेदता है, एक्यूरेसी परसेंटेज की बात कर रहे हैं, हवा चलने पर सटीकता 20% कम हो जाता है। जब हवा चलती है, विंडी वेदर होता है, तो क्या होता है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो 20% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर क्या कह रहा है,
तथा ऐसी स्थिति में 350 में से 196 बार वो टारगेट को क्या करता है, भेदता है। फिर यदि मौसम साफ हो तब निशानेबाज 250 में से कितनी बार टारगेट भेदेगा, अगर मौसम साफ हो तो कितनी बार भेदेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि परसेंटेज का यूपीएसआई का क्वेश्चन है। देखिए यूपीएसआई में वो टीसीएस ही कराया था, पहली बार यूपीएसआई को कराया था, जब पहली बार कराता है तो थोड़ा अपना रंग और दिखा देता है टीसीएस, पता नहीं क्या है, ईगो प्रॉब्लम होगी उसको, और ज्यादा कुछ खास नहीं है, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर देता है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि एक निशानेबाज है ना, निशानेबाज तो जानते हैं आर्कर होते हैं जो धनुष वनुष चलाते हैं, निशाना लगाते हैं। 20% कम हो जाता है कब, हवा के चलने पे। उसकी एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी जो परसेंटेज है वो कितना परसेंट कम हो जा रही है, 20% कम हो जा रही है विंडी वेदर में। और इस कंडीशन में वो बोल रहा है कि जब 350 बार डार्ट मारता है या तीर चलाता है या गोली चलाता है तो 196 बार वो क्या करता है, हिट करता है, लगाता है। तो 350 में से 196 बार लगा रहा है, लेकिन आप जान लो कि ये 20% कम है तो ये है किसके बराबर, 80% के बराबर। 80% बराबर 196, तो 100% बराबर क्या होगा, 196/80 × 100, ये 0 0 यहां कट जाएगा, ये 2 से 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 × 16 = 36 और 49 × 5 = 200 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा आपका उत्तर। लेकिन ये 245 तो 100% है ना, 245 100% है, इतना इसका मतलब कि जब नॉर्मल कंडीशन होगा तब 245 बार भेद लेगा कितने में से, 350 में से। लेकिन उसने प्रश्न क्या बोला है, अगर वो 250 बार ही फेंके तो क्या होगा, कितनी बार हिट करेगा। तो जब 350 बार भेज रहा है तो कितनी बार मारेगा, 245, तो 250 बार, तो 245/350 × 250, 0 0 कट जाएगा, 5 बार जाएगा, यहाँ पे 7 बार जाएगा, 7 × 21 35, 7 × 5 = 35 और 35 × 5 कितना आ जाएगा, 175 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर था, क्वेश्चन अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल था थोड़ा सा, अगर आप घबराओगे नहीं तो आराम से लगा लोगे, घबराना नहीं एग्जाम में, बाकी तो रामी मालिक है ना। चलिए यदि साल के हर दिन, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, यदि साल के हर दिन समान संख्या में जन्म होता है तो किसी लीप साल में, लीप ईयर जो होता है ना, लीप ईयर जानते होंगे जिसमें फरवरी में एक महीना ज्यादा होता है, लीप साल के फरवरी माह के अंतिम दिन जन्म लेने वालों की कुल प्रतिशतता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा दिया है कि आप एक मिनट के लिए परेशान होगी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन मैथ में कहां से पूछ लिया, लेकिन है तो मैथ ही, रीजनिंग जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सब कुछ मैथ ही होता है ना, ऐसा पूरे सब कुछ रीजनिंग ही होता है, मैथ कुछ नहीं होता है। ज्यादा बोलेंगे रीजनिंग वाले सर आपको गुस्सा जाएंगे, मैथ ज्यादा फेवर करेंगे। तो चलिए क्या कह रहा है कि किसी लीप ईयर में, लीप ईयर में अगर हर दिन समान नंबर के लोग पैदा हों, मान के चले एन लोग पैदा हो रहे हैं, तो फरवरी माह के अंतिम दिन में जितने लोग पैदा हुए हैं उनकी कुल प्रतिशतता कितनी है साल में। तो हम यहाँ पे n है, हम मान सकते हैं कि रोज एक लोग पैदा हो रहे हैं, और किसी लीप ईयर में कितने दिन होते हैं भाई, 366, तो पूरे साल में कितने लोग पैदा होंगे, 366, और फरवरी माह के अंतिम दिन कितने लोग पैदा होंगे, एक, क्योंकि हर दिन कितने पैदा हो रहे हैं, एक पैदा हो रहे हैं, तो बस वही परसेंटेज पूछ रहा है, 1/366/100 ये आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन क्या क्या थे एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे हिंट मिल जाएगा। हाँ, 0.2732 ऑप्शन ए है, 2.74, 0.024, 0.0684। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन तो ये थोड़ी सी लंदी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा सबसे क्लोज होगा, 0. क्या दिया हुआ है, 2732, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा 0.2, क्योंकि 366 350 के करीब मान लो, तो तीन बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 × 3 = 950 हो जाएगा, 1050 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा है ना, 105 के ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए जाहिर सी बात है 3 के पास रहेगा और 3 से थोड़ा कम रहेगा, तो 0.27 जो उसके क्लोजेस्ट वैल्यू है, बाकी सब 0.02 है, 0.06 है, 2.74 तो वैसे नहीं होगा। तो देखिए एग्जाम में जब आपके पास कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग भी लगाइए कि अप्रोक्सीमेट कौन सी वैल्यू हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या करोगे इसमें, जो लोग थोड़ा नौसिखिया हो गए ना, सीधा यहाँ पे 100 लिखोगे, बचपन वाली आदत, यहाँ पे 366 लिखोगे, भाग देने में तुल जाओगे। अरे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाओ, 100/350 लिखो, ये 10 काटो, ये कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 2/7 काट लो, कितना हो जाएगा,
जो आपका वैल्यू है वही आपका कर लो भाई, 20 जाएगा 0.2 ही आएगा, 0.2 वाला जो उत्तर है भाई टिक मार लो। अब यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है, बहुत समय आपका जाएगा। चलिए ऐसे मैं आपको बताता रहूंगा कि कहाँ पे कहाँ ज्यादा दिमाग लगाना है। मेरा काम क्या है, मेरा काम बताना है आपको कि दिमाग कहाँ पे लगाना है। प्रैक्टिस तो आपको करनी है, जितना हाथ रगड़ लोगे बेटा, जितना किताब से उठा के जितना क्वेश्चन लगा डालोगे, जितनी गड्डियां लगा दोगे ना रफ कॉपी की, उतनी ही मैथ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी हवा में मैथ स्ट्रांग होती नहीं है, एक बात समझ में रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, आठवां है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सिलेंडर की त्रिज्या एवं ऊंचाई में क्रमशः 50% एवं 75% की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन आपका बगल में है, आप देखते चलिए। तो मूल आयतन नए प्राप्त आयतन का कितना प्रतिशत होगा। आयतन की बात कर रहा है, अगर परसेंटेज बढ़ रहा है भाई, सिलेंडर की बात कर रहा है, ये है सिलेंडर आपका, है ना, और सिलेंडर में कितने डायमेंशन। आयतन की बात करोगे तो त्रिज्या काम करेगा ही और उसका हाइट काम करेगा। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, दो बार आर एक बार एच। और अगर तीन डायमेंशन आते हैं, तीन डायमेंशनल फिगर, तो 3D फिगर के लिए परसेंटेज इंक्रीमेंट में एक्स और वाई और जेड अगर तीनों विमाओं में, तीनों डायमेंशन में चेंज हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक्स वाई में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगाते हो, और उसके बाद यहां से जो रिजल्ट आता है उसको आप किससे अप्लाई करते हो, उसको आप जेड से अप्लाई करते हो। सेम प्रोसेस, जेड इनटू ये जो रिजल्ट आएगा अपॉन 100। तो एक बार लगा के देख लेते हैं, यहां पर इसे मैं रफ कर दूं। क्या बोल रहा है कि उसके जो त्रिज्या है वो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 50%। तो 50% पे पहले 50 + 50 + 50 × 50/100 यानी कि कितना आ जाएगा, ये 50 50 100 हो जाएगा, 0 0 काट दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, यानी कि 125%। तो त्रिज्या के कारण चेंज और 75% हाइट के कारण, तो 125% प्लस 75% प्लस 125 × 75/100, ये तो 200 हो जाएगा, है ना। और ये समथिंग अगर हम करेंगे 125 × 75 तो 93.3 समथिंग आएगा, आप करके देख लीजिएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग क्या आएगा, 293। अप्रोक्सीमेशन में लेके चलते हैं क्योंकि कैलकुलेशन कराया, मैं पहले से बोला ना आपको कि TCS है, TCS आपके साथ खेलेगा, आपके भावनाओं के साथ खेलेगा, तो कैसे खेलेगा, कैलकुलेशन बढ़ा के, बढ़ा दिया ना 293 लेके चले, अभी देखेंगे कि कैसे कैसे बढ़ाता चला जा रहा है। मैंने फिर भी 293 मान लिया, मैं ज्यादा परेशान नहीं होता हूं, बस इतने में अपना काम चला लेता हूं। तो 293% इसका बढ़ गया है क्या, आयतन। पहले अगर 100% था तो बढ़ के 293% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 393% नया आयतन हो गया। और पहले था 100%, तो यही बोल रहा है कि पहले जो मूल आयतन था अभी के आयतन का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 100 / 393 × 100, 10,000 / 393। और अभी बताया ना, जो ज्यादा बुद्धिजीवी होंगे वो क्या करेंगे, 393 / 10,000 ये तो करेंगे। लेकिन मैं जिसके पास थोड़ा कम दिमाग है, इसे क्या करूंगा, इसे 400 में कन्वर्ट करूंगा और जान जाऊंगा ये किसके करीब आएगा, 25% के करीब आएगा। और 25% उत्तर में कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी दिख रहा है, 25.39, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन में आप लगाया करो, अगर वो डाल तो आप पात बनो, है ना, है ना, थोड़ा टीसीएस वालों के बाप बन के आगे निकल के आओ तभी हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, किसी संख्या को पहले 16% और फिर से 14% बढ़ाया गया, इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है। पहले 14% बढ़ाया जाता है, फिर 16% बढ़ाया जाता है, फिर 30% घटाया जाता है, मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का शुद्ध प्रतिशत क्या है। सब टीसीएस का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, समझ लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि डेटा कैसे रख रहा है, और ना विश्वास पड़े तो वीडियो पॉज करिए और लगा के देख लीजिए। अगर आपका 40-50 सेकंड में आंसर आ गया तो समझ लीजिए कि जिंदगी में आप पढ़े हैं कभी मैथ, और नहीं आए तो समझ लीजिए कि आपको अभी पढ़ना बाकी है और मुझसे पढ़ लीजिए। चलिए आपने क्वेश्चन लगा लिया होगा उम्मीद से, फिर भी देखते हैं कि क्या कह रहा है कि कोई संख्या है उसमें पहले 16% बढ़ाया जा रहा है, फिर 14% बढ़ाया जा रहा है। जब भी ऐसा होता है तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट की बात होता है। पहले बढ़ाया गया 100 थी, 100 में 16% बढ़ाया गया, वो 116 हुआ, और इसी में 14% बढ़ा दिया गया, मतलब इसी से बढ़ोतरी होगी, 116 का 14%। और जब भी ऐसा आता है तो हम सीधा क्या लगा देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो एक रिजल्ट तो हमारा ये आ जाएगा, जोड़ लो भाई, 16 + 14 + 16 × 14/100। इसलिए बोल रहा था कैलकुलेशन टफ है, करो 16 × 14, 6×6 = 24, जितना करीब आप उसे लेके जाओ। चलिए तो इसे ये तो हो जाएगा पूरा 30,
साफ साफ दिख रहे हैं, और इसे भी 15 मान लो, इसे भी 15 मान लो, तो 15 × 15 225, ये करीबन 2.25 के समथिंग आएगा, है ना। तो हम मान के चले 2.25 ही ले लें अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि जब भी ऐसा है हम अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे। हम इसे मान लेते हैं सीधा 32.25, दोनों को 15 मार्क कर रहे हैं, हालांकि इसकी वैल्यू थोड़ा कम आएगी, 2.24 या 2.23 होगा, है ना। तो 32.25 ही आया, लेकिन बोल रहे इतना बढ़ने के बाद ये तो परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ, फिर वो क्या कह रहा है कि 30% घटा दिया जा रहा है। तो जब 30% घटा दिया जाएगा तो दोबारा एक्स वाई लगा दो, दोबारा क्या 32.25 माइनस 30 माइनस 32.25 गुणे 30/100, माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2.25, तो यहाँ पे साफ साफ बच रहे हैं। और इसे करेंगे तो ये भी लगभग 3 है, ये भी लगभग 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 0.25 भी 3 से गुणा होगा तो 75, यानी कि 9.75 समथिंग आ जाएगा। इतनी तेज कैलकुलेशन करनी होगी आपको, वरना फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो 2.25 में से 9.7 माइनस जाएगा, तो करीबन 7 कुछ आएगा, और 7 के करीब हम उत्तर देख लेंगे, वो भी माइनस का आएगा। तो 7 के करीब कौन सा उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन देख ले, सी दे रहा है 7% की गिरावट, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब भी आपसे थोड़ा ऐसा क्वेश्चन दे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के कर जाना है, आगे बढ़ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये आपका अंतिम प्रश्न है, इसके साथ ही हम ये लेक्चर फिनिश करेंगे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन देख के जाइए, ऐसे मत भागिए, इतनी भी कोई जल्दबाजी नहीं है। एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 75 है, जिसमें 33.3% लड़के और शेष लड़कियां हैं। प्रश्न आपका बगल में है, साथ साथ पढ़ते जाइए, वीडियो पॉज करिए, लगाइए, ना लगे तो मेरे पास आइए, लगे तब भी मेरे पास आइए। 33% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 66.66% है, या 66/3% भी बोल सकते हैं। फिर बोला है यदि सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 66 है, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है। एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन परसेंटेज के साथ मिक्स किया है। प्रतिशत वैसे तो बहुत आसान विषय है, बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन जब प्रतिशत का किसी और सब्जेक्ट के साथ एप्लीकेशन हो जाता है तो वो अच्छे अच्छों को रुला देता है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। बोले कि किसी क्लास में 75 लोग हैं, 75 लोगों में 25 क्या है, 1/3 बोला, 33.33%, यहाँ पे समझ जाना चाहिए ये क्या है, ये 1/3 ही तो है, तो 1/3 क्या है, लड़के हैं। 25 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 50 ही तो बचे लड़कियां, तो 25 लड़के हैं और 50 कितनी हैं, लड़कियां हैं। बोले कि किसी गणित विषय में, मैथ्स के सब्जेक्ट में, है ना, मैथ्स के सब्जेक्ट में जो लड़कों का औसत है वो लड़कियों के औसत से 66.66% ज्यादा है। मतलब अगर लड़कियों का एवरेज मैं ए मान लूं तो लड़कों का औसत ए का 66.66%, समझ में आ गई बात। और ये किसका है, ये बी का है, लड़कों का है, इतना लड़कों का औसत लड़कियों के औसत से इतना ज्यादा है, मतलब a प्लस a का 66%। तो इसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, जब जब परसेंटेज हटता है तब तब नीचे 100 आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये 66/2/3 लिख, 66.66 मतलब 66/2/3 या 200/3 लिखा हुआ है आसानी के लिए, तो 200 को कट करेगा तो कितना होगा, 2/3 हो जाएगा आसान भाषा में, है ना। इसे सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5a/3, और ये है b की वैल्यू। हाँ, तो ये b की वैल्यू हमारी आ गई। अब वो क्या बोल रहा है कि कुल औसत कितना है, 66 है, तो कुल औसत कितना निकलेगा भाई, लड़कों की संख्या 25 है और इनका औसत माना है हमने b, तो इनका कुल मार किए। लड़कियों का औसत कितना है, a माना है, है ना, यहाँ पे उनकी संख्या कितनी, 50 × a, और ये बराबर कितना है, 66 है, और कुल लड़के कितने हैं, 75 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कुल मार्क्स आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लें, b की वैल्यू 5a/3 कर लें, क्या निकालना है हमें, यही a की वैल्यू तो निकालना है लड़कियों के, तो बस कर दीजिए 25 × 5a/3 प्लस 50a बराबर 66 × 75। कैलकुलेशन टफ फिर से करा लिया है, कोई बात नहीं, 125a प्लस 150a बराबर 66 × 75 × 3, बात समझ में आ गई। तो ये 150 और 125 जोड़ेंगे तो 275a बराबर 66 × 75 × 3, और a बराबर आ जाएगा 66 × 75 × 3 बटे 275। कट करके ले दिए, 11 × 6 = 66 और 11 × 2 = 22, 11 × 5 = 55, ठीक। 6 यहाँ पे आ गया, 25 आ गया, 25 से 3 बार कटेगा तो 3 × 3 = 9 और 6 × 6 = 54% आपका क्या आ जाएगा,
एवरेज आ जाएगा, 54 का औसत आ जाएगा, जो लड़कियां पा रही यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 का दम आप कह सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके मैं आपके लिए लेके आया था, टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन लेके आया था। आपको क्या करना है, ऐसे डेली बेसिस पे क्वेश्चन करना है, टाइम टेबल के अनुसार। एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग चलेगी इस वाले क्लास में, सुबह की क्लास में जो आपकी पहली क्लास होगी। दूसरे क्लास में आपका क्या रहेगा, हिंदी रहेगा 3 दिन, और 3 दिन आपका जीएस रहेगा जो आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, डीप में हम जाएंगे उसमें। उसके बाद तीसरी जो क्लास होगी आपकी जीएस प्लस की होगी, जीएस प्लस इनडेप्थ क्लास होगी, जिसमें हम बहुत जीरो से एडवांस तक जाएंगे, बहुत अच्छे से उस क्लास को करेंगे, एकदम डीप थ्योरी के टाइप में उसको करेंगे, बहुत अच्छा सेशन रहेगा वो, अच्छे अच्छे टीचर आएंगे वहां पे, है ना। उसके बाद आपका शाम में रमन सर क्लास लेके आते हैं, ये एमसीक्यू बेस्ड इतना अच्छा लाइव सेशन लेके आते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। फिर से बता दूं, जो बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, किसको, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, लेकिन पीडीएफ मंथ सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ का पीडीएफ सब्सक्रिप्शन है, वो 499 रुपए का है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो क्लास में कराया हूं, इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन, इसका क्विजेस, इसका वीडियो, और ऐसे तमाम डेली 4 से 5 क्लास की पीडीएफ आपको रोजाना मिलती रहे और आप दिन पे दिन एक कदम आगे चलते रहे। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद।